कुंभकर्ण इतना शक्तिशाली असुर है, इसके उपरांत भी वो इतनी निद्रा में क्यों रहता है? प्रातः कुंभकर्ण अपने असीम सुधा को तृप्त करने के लिए असीमित भोजन करते थे। उन्हें रोकने अथवा नियंत्रित करने का साहस किसी में नहीं था, अतः उन्हें वरदान के रूप में अभिशाप प्राप्त हुआ। वरदान के रूप में अभिशाप? वो कैसे? क्या था वो अभिशाप? कालांतर में हम तीनों भाइयों ने, मैं, भ्राता रावण और भ्राता कुंभकर्ण ने घोर तपस्या की और हमारी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने हमें इच्छित वर प्रदान करने के लिए दर्शन दिए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। भ्राता रावण की इच्छा अनुसार ब्रह्मदेव ने नर वानर छोड़ के यक्ष गंधर्व पशु पक्षी आदि से अवधता का वरदान प्राप्त किया और मुझे मेरी इच्छा अनुसार धर्म पथ के अनुसरण का वरदान दिया। और जब भ्राता कुंभकर्ण का समय आया तो पूरी सृष्टि को उनका भोजन बनने से रोकने के लिए विधाता ने पूर्व काल में ही योजना बना ली थी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। पुत्र, प्रणाम ब्रह्मदेव। बस कुंभकर्ण, हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं। कहो, क्या वरदान चाहते हो? भ्राता कुंभकर्ण इंद्रासन मांगना चाहते थे, किंतु उसी क्षण माता सरस्वती उनकी जिह्वा पर आकर बैठी और उन्होंने इंद्रासन के स्थान पर मांगा, ब्रह्मदेव मुझे इंद्रा निद्रासन का वरदान चाहिए। तथा ये मैंने क्या मांग लिया? तुम 6 माह तक निद्रासन पर रहोगे और फिर 1 दिवस के लिए अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए उठोगे, फिर पुनः निद्रा मग्न हो जाओगे। यही क्रम तुम्हारे जीवन भर चलता रहेगा और यदि कोई तुम्हें नियत समय से पूर्व निद्रा से जगाएगा तो तुम्हारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। किंतु सब कुछ जानते हुए भी भ्राता लंकेश ने असमय युद्ध के लिए भ्राता कुंभकर्ण की निद्रा भंग कर दी, जिस कारण अब वो अधिक ही दुर्दांत सिद्ध होंगे। आपने जो किया अनुचित किया है भ्राता। ये क्या कह रहे हो तुम? अपनी पत्नी की रक्षा करना प्रत्येक पति का कर्तव्य है। अनुचित कार्य तो आपने किया है, देवी सीता का अपहरण करके। यदि आपको सूर्पणखा का प्रतिशोध ही लेना था तो उस वनवासी राम के साथ वीरतापूर्वक युद्ध करते, परंतु आपने तो कुछ और ही किया। एक चोर कर्म करते हुए सीता का हरण करके एक अत्यंत ही घृणित कार्य किया है आपने। कुंभकर्ण, मेरे अनुज होकर मेरे शत्रु का पक्ष ले रहे हो तुम? नहीं भ्राता श्री, परंतु जब बड़े पद भ्रष्ट हो जाएं, तो हम छोटों का ये कर्तव्य है कि हम उन्हें उचित मार्ग दिखाएं। भ्राता श्री, शूर्पणखा के बारे में मैं ही नहीं आप भी भली भांति परिचित हैं और अवश्य ही वो काम के वशीभूत होकर उस वनवासी राम के पास गई होगी और इसीलिए उसकी नाक काटी गई होगी। प्रतीत होता है क्या भी निद्रा के प्रभाव में हो तुम कुंभकर्ण, इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हमारे राक्षस कुल और हमारी लंका को कितनी क्षति पहुंचाई है उन नर और वानरों ने। नहीं भ्राता श्री, धर्म के मार्ग को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा और उसकी प्रजा दोनों को ही दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। काम क्रोध मद लोभ ये सब मोह विकार है मन के, जिनके वशीभूत होकर धर्म और नीति का मार्ग त्याग कर मनुष्य अधर्म और अनीति का मार्ग अपना लेता है। वही आपने भी किया है भ्राता श्री। बंद करो ये अपना नरगल प्रलाप। भीषण के जैसे द्रोही की भाषा बोल रहे हो तुम। जाओ, जाकर मिल जाओ मेरे शत्रुओं से। देश दे रहे हो
युद्ध के लिए उठाया है मैंने तुम्हें, ना कि प्रवचन देने के लिए। जाओ। लंकेश रावण में अब भी इतना सामर्थ्य है कि तुम्हारे बिना वो ये युद्ध लड़ सके। भ्राता कुंभकर्ण है तो असुर किंतु बड़े ज्ञानी हैं। वो नीति और धर्म को भली भांति जानते हैं। वो भ्राता लंकेश को समझाने का प्रयास अवश्य करेंगे। कदाचित भ्राता रावण भ्राता कुंभकर्ण की बात समझ जाए, किंतु यदि उन्होंने भ्राता कुंभकर्ण की बात नहीं मानी तो हमें इस बात पर दृष्टि डालनी होगी कि तब भ्राता कुंभकर्ण क्या करेंगे। भ्राता रावण की बात मानकर युद्ध करेंगे या धर्म का साथ देंगे। रुक जाइए भ्राता श्री, आप भले ही अधर्म और अनीति के मार्ग पर चल रहे हो परंतु आपके इस अनुज का ये धर्म है वो अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री की आज्ञा का पालन करे। जाएगा कुंभकर्ण इस युद्ध में और उस नर और उसकी वानर सेना को चीटियों की भांति मसल कर रख देगा। आपका ये अनुज भ्राता लंकेश, आप निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए। कल का सूर्योदय विनाश का अंधकार लेकर आएगा उस नर और उसकी वानर सेना के लिए। कल सूर्योदय होते ही यहीं से आपका आशीर्वाद लेकर जाऊंगा मैं रणभूमि में। जहां तक मैंने रावण को समझा है वो बड़ा हठी है, वो कुछ भी करके कुंभकर्ण को युद्ध के लिए मना ही लेगा। ऐसे में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? हाँ, हमारे मुग्धर आदि तो तिनकों के समान होंगे उसके लिए। हम इतने विशालकाय राक्षस से कैसे लड़ेंगे? उसका भी उपाय है मेरे पास, आप लोग चिंता ना करें। जब वो राक्षस आएगा तो हम इन वृक्षों के तनों से प्रहार कर उसका मार्ग रोक देंगे। उसकी चिता बना देंगे हम और शीघ्र ही अग्नि प्रज्वलित करके दहन कर देंगे उस राक्षस का। दहन कर देंगे। भ्राता लंकेश, आपका अनुज कुंभकर्ण पूर्णतया सज्जित होकर युद्ध के लिए उपस्थित है। मुझे आशीर्वाद दीजिए भ्राता। क्या भ्राता, इस सेना की क्या आवश्यकता है? क्या आपको आपके अनुज की शक्ति पर संदेह है? इन्हें अपने साथ ले जाने का अर्थ है कि कुंभकर्ण की शक्ति का अपमान करना। मैं एकाकी ही सक्षम हूं उन नर और वानरों के सर्वनाश के लिए। इसे अन्यथा मत लो कुंभकर्ण, ये युद्ध के लिए नहीं जा रहे, ये तुम्हारे आगे चलकर रणभेरी बजाएंगे। विजय धुन बजाकर
विजय का उद्घोष करेंगे ये। कुंभकर्ण, आज के युद्ध में तुम्हें मात्र सुग्रीव को बंदी बनाकर लाना है यहां। वो वानरों का राजा है, उसे बंदी बनाने का अर्थ है विजय श्री की प्राप्ति। विजय तो हमें ही प्राप्त होनी है, आपको सुग्रीव चाहिए ना, आपको सुग्रीव मिल जाएगा। प्रणाम भ्राता श्री, हमें अब युद्ध पे जाने की आज्ञा दीजिए। महापार्श महोदर, तुम भी साथ में जाओ, रणभेरी लिए हुए सैनिकों के पास अस्त्र शास्त्र भी है, आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग कर लेना। कुंभकर्ण का कोई विश्वास नहीं, युद्ध भूमि में ही निद्रालीन हो सकता है वो, और यदि वानरों का रक्त उसके मुख तक पहुंच गया तो वो युद्ध को भूलकर उन वानरों को खाने में जुट जाएगा। ऐसे में उसका उद्देश्य स्मरण कराना तुम दोनों का कार्य है। समझ में आया जो मैंने कहा? जी भ्राता। तो फिर खड़े क्यों हो यहां? जाओ उसके पास और जैसा मैंने कहा वैसा करो, जाओ। आज अंत होगा इस युद्ध का, विजय भवा कुंभकर्ण। नहीं, क्या होगा आज के युद्ध में? इस विशालकाय राक्षस पर नियंत्रण पाना बहुत कठिन है। हाँ 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 बंधु, कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ बंधु, कुछ भी हो सकता है। ये वानर सेना चीटियों का समूह, मेरे पांव तले मसले जाएंगे ये। ये विजय धुन, युद्ध से पूर्व ही विजय धुन। भ्राता लंकेश का अभिमान है ये, भ्राता कुंभकर्ण के युद्ध भूमि में आने से पूर्व ही विजय धुनी बजाकर युद्ध में विजय की घोषणा कर रहे हैं ये। रावण यदि इसी से प्रसन्न होना चाहे तो हो ले, परंतु सत्य तो ये है, अधर्म कितने भी बड़ी शक्ति के साथ रणभूमि में क्यों न उतरे, विजय सदैव धर्म की होती है। विभीषण जी, मेरे विचार से आपको वहां नहीं जाना चाहिए। विभीषण जी, जो क्रोध कुंभकर्ण के मुख पर दिखाई दे रहा है उससे प्रतीत होता है कि वो आपको चेतावनी दिए बिना ही आपका वध कर देगा। क्षमा करें, मेरे विचार से तो विभीषण जी को वहां पर जाना चाहिए। जैसा कि विभीषण जी ने बताया कि कुंभकर्ण नीति एवं धर्म को समझता है,
अपने भाई का सम्मान करता है। अतः जो अपने एक भाई की बात मानता है वो अवश्य दूसरे भाई की बात भी सुनेगा। हो सकता है वो विभीषण जी की बात समझकर रावण का साथ छोड़कर अधर्म के मार्ग से धर्म के मार्ग पर आ जाए। हाँ, उनका अनुज भ्राता हूं मैं, उन्हें सुझाव देने का अधिकार है मेरा कि अधर्म के पथ को त्याग कर धर्म के पक्ष में आ जाए। प्रभु, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी विभीषण जी के साथ जाना चाहता हूं। यदि स्थिति प्रतिकूल हो गई तो मैं संभाल सकता हूं। जय श्री राम। प्रणाम भ्राता श्री। विभीषण मेरे अनुज, बहुत ही भाग्यशाली हो तुम जो धर्म के पक्ष में खड़े हो। मृत्यु पर्यंत धर्म का ही साथ देना विभीषण। राधाश्री, धर्म और अधर्म के मध्य में किसी एक पथ को चुनने का अवसर सभी को प्राप्त होता है। आप भी अधर्म के पथ को त्याग कर धर्म के पक्ष में आ जाइए। विभीषण, मैं भी भ्रातृ धर्म निभा रहा हूं। मैं भ्राता लंकेश से द्रोह नहीं कर सकता। मैं धर्म या अधर्म के लिए इस युद्ध भूमि में नहीं आया हूं। मैं भ्राता लंकेश का साथ देने के लिए इस युद्ध भूमि में आया हूं विभीषण, और मृत्यु पर्यंत उन्हीं का साथ दूंगा। तो मैं भी तो आपका अनुज भ्राता हूं। इसीलिए तो तुम्हें अंतिम बार भेंट करने के लिए बुलाया है विभीषण। जब पुनः हम आमने सामने होंगे, तुम मेरे भाई नहीं बल्कि मेरे शत्रु हो। Oh!
भागो। देख रहे हो महोदर, वानरों की भागती हुई सेना। हाँ महापार्श्व, उचित होता के आरंभ में ही भ्राता कुंभकर्ण को भेज दिया जाता। यदि इन्हें नहीं रोका गया तो कुंभकर्ण से युद्ध से पूर्व ही हमारी पराजय हो जाएगी। हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा, इनका मनोबल टूट रहा है, हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। हर कार्य एक समय पर होता है लक्ष्मण। एक ओर हमारे योद्धा भयभीत होकर इससे दूर जा रहे हैं और दूसरी ओर ये पाप एवं अधर्म का साथ देकर मृत्यु के निकट आ रहा है। इसके पाप का घड़ा बढ़ते ही इसकी मृत्यु निश्चित है। मुझे विश्वास है कि इस युद्ध में पाप और अधर्म के साथ देने वाले को कोई नहीं बचा पाएगा। व्यक्ति का ज्ञान यदि सत्य और धर्म के साथ ना हो तो सब व्यर्थ है।